नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं आलात हज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी रूस गए हैं। ब्रिक्स एक जमात है, इब्तदा में चार मुल्कों से शुरू हुई थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। और उसके बाद पिछले साल चार मुल्क और भी शामिल हो गए, मिस्र, एथोपिया, ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात। चार मुल्क ये भी शामिल हो गए। कहते हैं कि ये नौ मुल्क जो है, इनमें दुनिया की 45% आबादी बसती है और दुनिया की जो जीडीपी है, मईशत है, इकोनॉमी है, उसका 25% उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद सोचिए, हकीकत में जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमीर तरीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो इनमें नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद ये G7 के जो ममालिक हैं ना, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक, उनकी टोटल जो इकोनॉमी है उससे भी ज़्यादा है ब्रिक्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये खासे हिस्से को रिप्रेजेंट करती है ये जमात। और अब कल से रूस के शहर काजल में इसकी सरबराह कॉन्फ्रेंस यानी समिट होने जा रही है, जहां पर मोदी भी होंगे, चीन के शी जिनपिंग भी होंगे और रूस का पुतिन तो है ही है, क्योंकि वो तो मेज़बान है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि कल भारत का जो सेक्रेटरी खारजा है, फॉरेन सेक्रेटरी, उसने बताया कि 2020 से जो हमारा इख्तलाफ चल रहा था लद्दाख के सेक्टर में भारत और चीन का, और जिसकी वजह से 2020 में जुलाई में गलवान वैली में सिपाहियों की आपस में भिड़ंत भी हो गई थी, जिसमें 20 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक हो गए थे। और चीन ने तो कुछ नहीं बताया, बताते भी नहीं, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता चला कि उनके 100 आदमी हलाक हो गए थे। और जिसकी वजह से तकरीबन 4.5 साल होने का, ये मई की बात है, मई से शुरू हुआ था 20 और आज जो है अक्टूबर है, तो 4.5 साल तो हो गए इस बात को। 4.5 साल से ये 50,000 की फौज चीन की उधर खड़ी है, 50,000 की फौज इधर भारत की खड़ी है। और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट है भारत का, और उसके दूसरी तरफ उसका तिब्बत है, वहाँ पर भी चीन की 90,000 फौज खड़ी है। मैं आपको बता, अब कल भारत के सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि ये 4.5 साल की लगातार मुलाकातों से, नेगोशिएशन से, हमने कल फैसला किया है कि हमारी फौजें प्री 2020 से पहले के जो इलाके थे वहाँ तक पीछे हटेंगे। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूँ, बीच में एक बफर जोन होता है जिस पर दोनों ममालिक, ये जंग तो 62 में हुई थी जिसमें उसने चीन ने हड़प कर लिया अक्साई चीन का इलाका, और उसके बाद आपस में उन्होंने तय किया कि ये बीच में जो लाइन है ना, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है, और उसमें कुछ बफर जोन रखा गया जिसमें दोनों ममालिक की जो आर्मी होती है उनके पेट्रोलिंग यूनिट आए दिन पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से जो है बातचीत करके, यानी एडवांस में नोटिस देकर, अभी जैसे एक दिन को भारत की टीम विजिट करेगी वहाँ पे, तो उस दिन चीन वाले नहीं आएंगे,
2 दिन के बाद चीन वाले आएंगे तो भारत को बता देंगे, चीन वाले भारत की टीम नहीं जाएगी। तो इस तरह से उन दोनों का आपस में मुकाबला भी नहीं होगा और इस तरह से सबको पता भी चलता रहेगा कि ये इलाका खाली है, यानी इसमें दुश्मन कोई भी एग्रेसिव पोजीशन नहीं बना रहा। ये जो स्टेटस को था 2020 में चीन ने इसको तोड़ा था और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से अभी तक 4.5 साल गुजर गए, पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1.5 महीना पहले भारत का जो वजीर खारजा है एस जयशंकर, उसने बताया था, मैंने प्रोग्राम भी किया था, कि तकरीबन 75% हमारे जो मामलात सुलझ गए हैं और हमारी जो आर्मी है दोनों ममालिक के डिसएंगेज हो गए, पीछे हट गए हैं अपनी अपनी पोजीशन से, यानी आफ्टर 2020 जो दोनों आगे बढ़ के आए थे तो वो पीछे, अभी इसका मतलब ये है कि 100% पीछे हो गए। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी फौजें खड़ी हैं दोनों के आमने सामने, अभी फौजें वापस नहीं गई, पीछे हटी हैं सिर्फ। हकीकत में अमन अमान की अगर सूरत हाल हो तो इतनी फौज सरहद पे नहीं होती, जस्ट चंद चौकियाँ होती हैं, 100, 200, 500 आदमी रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन 50,000 के करीब फौज। और ये भी मैं बता दूं कि न सिर्फ नॉर्मल आर्मी बल्कि कैवलरी, टैंक्स भी हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, हवाई जहाज भी हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर गनशिप्स भी हैं, ये अभी भी खड़ी हैं। और अभी भारत के वजीर आजम जो रूस गए हैं तो वहाँ पर वो उम्मीद है, कहते हैं, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, भारत ने तस्दीक नहीं की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, लेकिन अनऑफिशियली पता चला है कि कल को यानी 23 तारीख को जो है भारत का वजीर आजम और चीन का सदर शी जिनपिंग दोनों आपस में वहाँ पे मिलेंगे। तो वैसे तो अच्छा ही है, मिलेंगे कर रहे हैं, तो जो ग्राउंड वर्क है वो तो नीचे वाले अफसरान करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री वाले या आर्मी वाले, वैसे आर्मी वालों का इसमें ज़्यादा रोल है, उन्होंने तकरीबन 50-55 तो मीटिंग्स किए, मुझे एक्चुअल नंबर नहीं, लेकिन लगातार DGMO यहाँ का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और उनका भी उसके जो इक्विवेलेंट होगा उनकी मुलाकात, ये मेजर जनरल की हैसियत से होते, मेजर जनरल के रैंक का ऑफिसर होता है, आपस में मिलते रहते थे। और लेकिन चीन टस से मस नहीं होता था, चलिए शुक्र है 4.5 साल के बाद ही सही मान तो गया। अभी दोनों जो ममालिक हैं इनकी अफवाज जो हैं टाइम टू टाइम वो जो बीच में बफर जोन है उसका पेट्रोलिंग कर पाएंगे। अब इस सिलसिले में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये डेटिनेट कैसे हुआ, अचानक रातों रात लंबी दाढ़ी कैसे हुआ। कुछ लोग इसको, इसका जो क्रेडिट है वो सदर पुतिन को देते हैं, क्योंकि पुतिन के दोनों दोस्त हैं, चीन भी भारत भी, और बावजूद इसके कि भारत जो फ्री वर्ल्ड है यानी वेस्टर्न वर्ल्ड, उनके साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने भारत के हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए चीन के ताल्लुकात बिजनेस रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं पूरी दुनिया के साथ, लेकिन दोस्ती वगैरह जितनी भारत की फ्री वर्ल्ड से है, वेस्टर्न वर्ल्ड से है, इतनी चीन की नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने चीन के रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी और यूक्रेन की मदद करने को पहुंच गए, लेकिन भारत जो है ना वो इम्पार्शल रहा, जो है गैर तरफदार हम बोलते हैं उसको, ना गैर जानिबदार भी कह सकते हैं आप। और भारत ने किसी भी फोरम में G20 हो, UNO हो, कहीं पर भी
अगर रूस की मजम्मत की जानी थी, इस किस्म का कोई रिजोल्यूशन आता तो उसमें भारत एब्सेंट रहता था। यानी भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती का किरदार बखूबी निभाया है पिछले 2.5 साल में, जो है 2.75 साल में यूँ कह सकते हैं आप। तो रूस जाहिर है चाहता होगा कि उसके जो दो अलाइज हैं भारत और चीन, आपस में कम से कम अगर दोस्ती नहीं करते तो दुश्मनी भी न करें। हो सकता है, इसके लिए इसकी तस्दीक नहीं हो सकती इंडिपेंडेंट ज़राए से, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी न किसी ने तो पहल की होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, लोगों को कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अच्छा, इसमें भारत की जो पॉलिसी है ना, भारत का जो सब्र है, पेशेंस है, वो भी रंग लाया है। दो बातें, एक तो भारत ने ये जो इख्तलाफ था लद्दाख सेक्टर में, इसको बढ़ने नहीं दिया, बावजूद उनके जो है इंस्टिगेशन के, जो है वो चाहते थे कि भले जंग बढ़े, लेकिन भारत ने इस जंग को बढ़ने नहीं दिया, एक बात। दूसरे, भारत ने चीन के साथ तजारती ताल्लुकात भी नहीं तोड़े, जिस तरह पाकिस्तान करता रहा है, और उसके लिए पाकिस्तान को खुद ही भुगतना पड़ता है, उसकी अपनी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो चली है। उसमें एक सबसे बड़ी वजह उसकी ये भी है कि उसने हिंदुस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात नहीं बहाल रखे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने चीन के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल रखे, और उसकी वजह से आज चीन जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 125 बिलियन डॉलर का भारत और चीन का बिजनेस होता है, मैं आपको बता दूं, अमेरिका से भी ज़्यादा चीन से भारत जो है बिजनेस करता है। अब इसमें दोनों का फायदा है, ये अलग बात है, लेकिन भारत प्रैग्मेटिक रहा है, रियलिस्टिक रहा है, कभी भी जज्बात को अपने मुफाद के ऊपर गालिब होने नहीं दिया, और इसकी वजह से हो सकता है कि चीन को भी अकल आ गई हो कि चलिए हम दुश्मनी छोड़ के, अब दोस्ती न भी करें, कम से कम दुश्मनी तो न करें। अब बाकी जो सवाल रह जाता है कि जो फौजें हैं दोनों मुल्कों की आमने सामने खड़ी, क्योंकि जब खड़ी हैं तो किसी भी वक्त फ्लेयर अप हो सकता है, उनके दरमियान जंग शुरू हो सकती है, जिसके लिए अभी कल जो है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस ज़मन में या इस सेक्टर में भी कुछ न कुछ तो पेशरफ्त होगी, और हमें अच्छी बातें की खबर आएगी कल के बाद। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।